खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए सीधा रुख करेंगे, सीएम योगी आज मनरेगा के मजदूरों को राहत राशि वितरित कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पैसा मजदूरों के खाते में डाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रमिकों को मनरेगा के तहत ये राशि वितरित कर रहे हैं। तो जिस तरह से सरकार ने मनरेगा के मजदूरों को बड़ी राहत दी थी, सीधे खाते में अब 611 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा मजदूरों को सीएम योगी मदद की पहल कर रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना वायरस की यह महामारी से देश लड़ रहा है, इस लड़ाई के बीच गरीबों और मजदूरों को कम से कम मुश्किल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है, जिसमें से मनरेगा को के जो मजदूर हैं उनको राहत राशि दी जा रही है। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, मनरेगा मजदूरों की सहायता के लिए बड़ा कदम योगी सरकार ने उठाया है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास मौजूद है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की जाएगी क्या मजदूरों से? अंशु, देखिए उत्तर प्रदेश में श्रमिक और मजदूरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, खास करके मनरेगा से करीब 2-3 महीने की जो उनकी मजदूरी थी वो बकाया था। चूंकि केंद्र से धनराशि आ गई है तो मुख्यमंत्री ने स्वयं तत्काल जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया। मुख्यमंत्री आवास पे कार्यक्रम चल रहा है और सीधे उन मजदूरों को सीधे लाभ मिले, दिक्कत ना हो। 600 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जो है उत्तर प्रदेश के मनरेगा के मजदूरों के खाते में ट्रांसफर की गई है। खबर यह भी है कि कुछ मनरेगा मजदूरों से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करेंगे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना है 12 बजे यूपी सदन में प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश के निवासियों के साथ साथ नोएडा और जो गाजियाबाद की हालात है उसको लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे, तो थोड़ी देर में कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली निकल जाएंगे और दिल्ली में रात्रि विश्राम करने की भी खबर है कि क्योंकि जो दिल्ली में हालात यूपी के निवासियों को लेकर के बनी है और प्रदेश के अन्य हिस्सों में उसको लेकर के मुख्यमंत्री ठीक है। पंकज, जिस तरह से ये राहत राशि दी जा रही है तो क्या ये राहत राशि किश्तों में ट्रांसफर की जाएगी मजदूरों को या फिर एक लमसम अमाउंट उन्हें दिया जाएगा? देखिए, चूंकि 600 करोड़ से ज्यादा का बकाया था उत्तर प्रदेश का, केंद्र सरकार से फंड रिलीव हुआ है, सरकार ने अब निर्णय लिया है उन मजदूरों के खाते में वो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। चूंकि अभी सारा पैसा नहीं आया, क्योंकि इसके बाद जो काम किए हैं उस दौरान जो बकाया था एक समय सीमा के अंतर्गत वो सारे पैसे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें 27 लाख श्रमिकों के बाकी था, यानी 611 करोड़ वो धनराशि एकमुश्त हस्तांतरण की गई है। सीधे खातों में जो उनकी धनराशि बकाया थी वो उनके सीधे खातों में जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस के लिए जिस तरह से देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, योगी सरकार ने ये पहल की है और मनरेगा मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जाएगा। उत्तर प्रदेश के 20 लाख दिहाड़ी मजदूरों को इसका फायदा होगा और इसकी पहली किश्त डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए श्रमिकों के बैंक खाते में दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।